एक मस्जिद में जाता था और वो मुझे लोग बहुत अप्रीशियट करते थे अंकल ने मुझे मेजर्स ने अब आर्मी में थे तस्वीर गिफ्ट की और सारा ना बल्कि ने कहा कि आपके बेटे को देखे हमने नमाज शुरू कर दी ये फोर फिफ्ट थ्री बात से जब मैं दिन दी, में था फिर जाहिल हुआ फिर दिन में आया ठीक है तो मुझे वो टाइम था तो अब बाकी एक्सटेंशन होगी तो हम एक और कॉलोनी में चले गए वहाँ मस्जिद थोड़ी दूर थी लेकिन मैंने कहा रूटीन तो डेवलप करनी है मैं मस्जिद में गया और कुछ दिन हुए थे पहले सफ में खड़ा हुआ एक बुजुर्ग अंकल ने मुझे पकड़ के ना पीछे किया उन्होंने कहा बच्चे पीछे

यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए और मस्जिद के उन्होंने पता नहीं से से मुस्ण्स मुस्ण्स दा दा liberal करीम से बिठा के अपनी पढ़ाए कोई और पीछे बंदा नहीं है उनकी निवासी का ख्याल रखने वाला लोग तो है खुदबा हो रहा था खड़े हुए कौन आए थे नीचे उतरे है और उनको उठाया ना खुदबा के बीच में और अच्छा गोद में उठा के नी की आगे साथ बिठा दिया गोद में उठा के खुदबा कंटिन्यू किया और साहबा सिर्फ कर रहे थे तो कहा कि इन्ना वरदी हाजा सैयद युसलहुल्लाहु बिही बैन तवाइफतैन मिनल मोमिनीन मतलब इनकी भी प्रेज दी कि बेटा जो बेरहना सैयद है दो मोमिनों के बीच में सुलह करेगा तो मत हंसो कि मैं मैंने कौन सा बच्चा अपने पास उठाया हुआ है किसको उठाया हुआ है तो टीच करने का भी एक डिफरेंट मतलब इवन हमने ना बहुत ज्यादा ना कुछ चीजों को बहुत ज्यादा स्टडी कर लिया की मस्जिद में ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता <laughs> हाँ लागू चीजें ना हो और वो ना हो लेकिन मस्जिद इज अ प्लेस डिस्कशन बॉन्डिंग है ना आपका है। लोगों के मिलने का जरिया भी बनता है आपकी नमाज की जमात के फायदे कितने ज्यादा <laughs> हम लोग आमतौर पर जाते हैं नमाज के लिए नमाज पढ़ी और वहां से भागे आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं आप लोगों की खैर वाफियत पूछते हैं बंदा ठीक है नहीं है एक बंदा नमाज पे नहीं आ रहा क्या वजह हो गई घर छोटा बच्चा नहीं बिल्कुल जायज नहीं है बिल्कुल नहीं मैं अभी ऐशा की नमाज में देख के आ रहा हूँ अभी देख के आ रहा हूँ आप कल परसों की बात सुन अभी मैं ये देख के आ रहा हूँ मंजर होते हुए हुआ था जी जी बिल्कुल उसमें शकली मैं एक मस्जिद में जाता था और वो मुझे लोग बहुत अप्रीशियट करते थे अंकल ने मुझे ने अब आर्मी में थे गिफ्ट की और सारा ना ने कहा कि आपके बेटे को देखे हमने नमाजें शुरू कर दी ये की बात है जब मैं दी, दीन में था फिर जाहिल हुआ फिर दीन में आया ठीक है तो मुझे वो टाइम था तो अबा की एक्सटेंशन होगी तो हम एक और कॉलोनी में चले गए वहां मस्जिद थोड़ी दूर थी लेकिन मैंने कहा यार रूटीन तो डेवलप करनी है मैं मस्जिद में गया और कुछ दिन हुए थे मैं पहले सफ में खड़ा हुआ एक बुजुर्ग अंकल ने मुझे पकड़ के ना पीछे किया उन्होंने कहा बच्चे पीछे I was about to cry. मैं फोर्थ में था ऐसे। अच्छा मुझे बुरा लगा मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दी मजे में जाके फिर भी मैंने भी। घर पढ़ना शुरू कर दी और, फिर पढ़ना भी मैंने छोड़ और जो एक इस आया ना बहुत सारे बच्चों के साथ के नबी के कंधों पे इमाम चढ़े हैं बच्चियां चढ़ी आप सजदेग कर रहे हैं अब बकर उमर है लखनऊ उमर बैठे हैं तो लेकिन आप डिले करें और हम लोग कहते हैं बच्चे आगे ना खड़ा और भाई बच्चों को सबसे आगे खड़ा करो मैं समझता हूँ बिल्कुल इमाम के पीछे ना खड़ा करो क्योंकि अगर वो भूल जाए तो आप लुकमा दे सके लेकिन पहले सब पे खड़े हो आपके साथ खड़े हो ताकि वो आगे फ्यूचर लीडर्स बने नहीं। नहीं। आप अभी नमाज से, पीछ, से पीछे सबसे पीछे हैं ना ये दीन में भी पीछे हो जाएंगे और उम्मत इसलिए पीछे हो गई हमारे और ये मैं समझता हूँ ये, ये वो बैलेंस है जहाँ पे हम कहते हैं ना कि खुशू की हालत ये है कि बच्चों को सबको दफा कर दो यानी ये जो एक मैंटालिटी है ना कि तरावी में बच्चे क्यों आ रहे हैं नकाल सारों को पाओ ये नमाज में बच्चे क्यों रहे? निकालो सारों को पाए यानी इतना आपका खुशूब जो है वो नबी की खुशबू से ज्यादा हो गया जो कि बच्चों के साथ भी नमाज पढ़ रहे हैं अपने कंधों पर बिठा के भी नमाज पढ़ रहे और फिर जब रुकू में जाते नीचे उतार देते सजदे में जाते नीचे उतारते उसके बाद दोबारा उठा लेते